स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आज डेट क्या है, आज दिनांक क्या है, तारीख क्या है? तो 16 सितंबर 2020, 16 सितंबर अर्थात 16 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है, इंटरनेशनल ओजोन डे। तो आज भी वैश्विक स्तर पर यह महत्वपूर्ण दिवस मनाया जा रहा है। मनाया जा रहा है तो दिवस तो रोज ही आते हैं, कभी फ्रेंडशिप डे, कभी मदर डे, फादर डे, एनवायरमेंटल डे, सब चलते हैं। लेकिन सवाल ये है कि दिवस मनाने और जो दिवस से संबंधित प्रवृत्तियां हैं, जो प्रकृति है जिसके लिए हम मना रहे हैं, क्या उसको हम कहीं इम्प्लीमेंट कर भी रहे हैं या नहीं? तो देखो, जो ये प्रवृत्तियां हैं विश्व में जो चल रही हैं, वर्तमान में भी आप देख रहे हो कि संपूर्ण विश्व पैनेडेमिक के खतरे को झेल रहा है, वैश्विक महामारी आ चुकी है और किस रूप में आई ये पता नहीं, लेकिन किस रूप में प्रभावित कर रही है ये पता है, लेकिन किस रूप में यहां से जाएगी वह भी पता नहीं है। तो क्या COVID-19 अर्थात कोरोना का जो इम्पैक्ट है, जो उसका हमला है, कहीं ऐसा तो नहीं पर्यावरणीय समस्याओं का या पर्यावरणीय समस्याओं ने ही इसको जन्म दे दिया? तो पर्यावरणीय समस्याओं को जन्म किसने दिया? निश्चय ही इसका उत्तर है मानव। देखो, भूगोल के संदर्भ में जब हम बात करते हैं या पर्यावरण के संदर्भ में बात करते हैं, तो आरंभिक काल से ही जब मेरी आपसे बात हुई, या आप जानते भी हो कि संपूर्ण विश्व का जो प्राकृतिक पर्यावरण है यह जटिल अंतरक्रियाओं का सम्मिश्रण है। लगातार अंतरक्रियाएं चल रही हैं, कहीं जैविक कहीं अजैविक, जैविक अजैविक के अंदर भी तंत्र है, तंत्र के अंदर तंत्र हैं। ये क्रियाशीलता चल रही है, तो क्रियाशीलता चलेगी तो बदलाव होगा। लेकिन चूंकि हम बदलाव के पहलुओं को लागू करने में या उसको किसी के ऊपर अध्यारोपित करने में हम सबसे आगे हैं, क्योंकि हम मानव हैं और नाम भी दिया गया मानव। मानव का अगर जूलॉजिकल नेम देखते हैं, साइंटिफिक नेम देखा जाता है, तो अपने आप को मैंने नाम किया दिया होमो सेपियंस। जो सेपियंस शब्द है, बड़ी भांति आप जानते हो, मतलब बुद्धिमान। तो क्या मानव वास्तव में बुद्धिमान है? मानव बुद्धिमान है लेकिन लालची है। पर्यावरणीय दृष्टि से देखा जाए तो जो मानव या मानव के अतिरिक्त प्रकृति में जो भी जीव जंतु हैं, प्रकृति से अंतर क्रिया करते हैं, पर्यावरण से अंतर क्रिया करते हैं, और उस अंतर क्रिया का प्रमुख उद्देश्य है कि वह अंतर क्रिया के माध्यम से अपने लिए अनुकूलतम परिस्थितियों का निर्माण करें, फेवरेबल कंडीशन, अनुकूलतम दशाओं का निर्माण करें। और उसके लिए मानव के साथ साथ अन्य जीव जंतु भी सबसे पहले किस दशा को निर्मित करना चाहता है, तो जो उसकी बेसिक आवश्यकता है उसमें सबसे पहले बेसिक आवश्यकता में हमें क्या चाहिए, रोटी, फूड, तो उसके लिए हम प्रयास करते हैं। फिर तन को ढकने के लिए कुछ कवर चाहिए, कपड़ा, उसकी बात करते हैं। फिर शेल्टर चाहिए यानी मकान चाहिए। तो छोटे से छोटा जीव, साधारण से साधारण जीव इसके लिए प्रयासरत है, लेकिन मानव का प्रयास इन अपनी सामान्य आवश्यकताओं या कहा जाए कि जो प्राथमिक आवश्यकताओं के पूर्ति के अतिरिक्त कुछ और है। मानव अपने आप को
एक छद्म प्रदर्शन के दौर से गुजार रहा है, छद्म प्रदर्शन के दौर से गुजार रहा है। वह अपने आप को प्रदर्शित करना चाहता है और इस छद्म प्रदर्शन में जो स्यूडो डिमोन्स्ट्रेशन है इसमें वह लालची बन गया, इतना ज्यादा लालची बन गया कि वह उसी प्रकार से जैसे कहा गया एक महान विद्वान के विषय में कहा जाता है कि जिस डाल पर बैठे थे उसी डाल को काटते थे या काट रहे थे, उनका नाम नहीं लेंगे, इशारा आप समझ चुके हैं। लेकिन मानव इस लालच में फंसकर अपने लिए ही मौत का गड्ढा खोद रहा है। इसकी शुरुआत कब हुई? मानव इसको महसूस बहुत पहले से ही किया, इसीलिए तो भूगोल के अंतर्गत प्रकृतिवाद और संभववाद में लड़ाइयां शुरू हुई। इन्वायरमेंटलिज्म अर्थात इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, पर्यावरणीय नियतिवाद और संभववाद में, ठीक है, वह तर्क वितर्क जरूरी था। किसी ने बोला प्रकृति ऊपर है तो वो तो है, लेकिन किसी ने बोला कि नहीं, मानव को कम प्रकृति न देखें क्योंकि मानव प्रकृति को पूर्णतः प्रभावित करता है। तो सत्य है भाई, संभववादियों ने कहा कि प्रभावित करेगा, हमारे में संभावना है, हम चाहें तो पर्यावरण के प्रत्येक तत्व को अपने मर्जी के अनुसार उसका चयन करेंगे और विकास के उपागम को आगे लेकर जाएंगे। तो संभववाद ने विज्ञान के नए प्रतिमानों को जन्म दिया, प्रक्रियाएं आगे बढ़ती चली गई। लेकिन बहुत पहले ही जहां से संभववाद की खुशबू फैली अर्थात फ्रेंच स्कूल ऑफ थॉट, फ्रांसीसी भौगोलिक विचारधारा जिसमें लूसियन फेब्रे और लावलास साहब प्रमुख थे, लेकिन वहीं के एक विद्वान थे जीन ब्रूंस। जन्म उनका 1869 में हुआ, तो 1869 की डेट ही अजीब है, आपको पता है अपने राष्ट्रपिता का जन्मदिवस। जो समायोजन में विश्वास करते थे, मैंने विश्व के अनेक विद्वानों को देखा, अनेक फिलोसफर्स को देखा, लेकिन वो वाद में जीवित होते थे। वाद जहां होता है विवाद। एक महान विद्वान हमारे यहां हुआ करते थे, नाम सुना होगा, आचार्य विनोबा भावे। उन्होंने कहा था वाद की जगह योग की बात करो, जब साम्यवाद की बात करते हो तो विवाद होगा, समाजवाद की बात करते हो तो विवाद होगा, क्योंकि वाद विवाद को जन्म देता है, चाहे जातिवाद हो, क्षेत्रवाद हो, धर्मवाद हो। उन्होंने कहा वाद की जगह साम्य योग की बात करो, जो कि कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन पर आधारित हो। तो 1869 में जीन ब्रूंस आ गए। मानव की जो संसाधनों की दोहन की प्रवृत्ति का उन्होंने अध्ययन किया, कहा कि ये डंप नहीं हो रहा बल्कि एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, मानव तो प्रकृति के प्रत्येक अंग का शोषण कर रहा है। इसलिए उन्होंने एक कॉन्सेप्ट को प्रोड्यूस किया या उसका विकास किया जिसका शीर्षक था रॉबर इकोनॉमी, लुटेरी अर्थव्यवस्था। हम अजीब है, हमें पता है कि ये धरती कि जो ये सरफेस है जिसको मृदा कहते हैं, जिसको बायोलॉजिकल फैक्ट्री कहते हैं, वो हमारे लिए सब कुछ देती है, लेकिन हमने उत्पादन के लालच में उसको जहरीला बना दिया। हमें पता है कि ये इन्वायरमेंट का जो बहुमूल्य भाग है वायुमंडल से ही हमें ऑक्सीजन मिलेगा, लेकिन उसको भी हमने जहरीला कर दिया। हमें पता है कि ये जो पादप है यही वास्तविक भगवान है, जो सूर्य की प्रकाश को लेता है, अपनी जड़ों से जल को लेता है और एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को संपादित करता है, हमें भोजन ऑक्सीजन और जल भी दे देता है, लेकिन इसको काट डालो क्योंकि मानव जरूरी है।
कहने का तात्पर्य है कि मानव की जनसंख्या बढ़ती गई और जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती चली गई, संसाधनों की कमी हुई, संघर्ष चला। तो संघर्ष कॉन्फ्लिक्ट कहने का मतलब संघर्ष चला, कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ, क्योंकि हम संभववादी हो चुके थे। विज्ञान के उपागमों की खोज किया, गुणवत्ता नहीं मात्रा में वृद्धि की कि एक वस्तु है इसको औद्योगिकीकरण करके उद्योग के माध्यम से, उद्यम के माध्यम से कई रूपों में इसका हम क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। औद्योगिकरण का दौर शुरू हुआ। औद्योगिकरण का आधार परिवहन है, बिना परिवहन का उद्योग क्या हो गया, उद्योग का कोई प्रतिफल नहीं है। तो औद्योगिकीकरण हुआ, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम विकसित हुए, लेकिन सारे दोनों ही सिस्टम किसके ऊपर डिपेंड है, फॉसिल्स फ्यूल पर। फिर जहां जहां ये प्रवृत्तियां आई वहां जनसंख्या का जमा हुआ, धीरे धीरे शहर का स्वरूप हुआ, शहरीकरण हुआ। हमारी आदतें आरामदायक हो गई कि हमें कंफर्टेबल लेवल पर जीना है, तो आगे बढ़ते चले गए। 1750 के दशक में जो औद्योगिक क्रांति आरंभ हुई, जो एक साम्यता के ऊपर थी, धीरे धीरे विषमताओं को जन्म दी, आगे बढ़ते चले गए। द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत मात्रात्मक क्रांति का उदय होता है, विज्ञान का विकास भी चरम पर जाता है, सुपर कंप्यूटर्स आ जाते हैं, जिसमें कहा जाए कि एक तरह से संवेदनहीनता हो जाती है, इमोशंस का कोई लेना देना नहीं है। आगे बढ़ते चले गए, सुपर कंप्यूटर के साथ साथ पूर्णतः दक्ष मल्टी डायमेंशनल सैटेलाइट्स आ गए। सब कुछ हमने बस में करने की कोशिश की और विकास के उपागम को आगे लेकर चले। जब पैसे आ गए, मुद्रा का संकेंद्रण हुआ, कैपिटलिज्म आ गया, तो आरामदायक जिंदगी जीने की कोशिश की। इसी संदर्भ में फ्रीजिंग सिस्टम शुरू हुआ, क्योंकि फ्रीजिंग सिस्टम रहेगा तो जो उत्पादित माल है वो सब क्या होगा, जल्दी खराब नहीं होगा। फ्रीजिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई। पहले अमोनिया का ही उपयोग करते थे, लेकिन धीरे धीरे जब 1900 के दूसरे दशक में आए, 20वीं शताब्दी के, तो CFC नामक एक अद्भुत केमिकल का खोज हो गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। बड़ा अच्छा लगा, इतिहास भी आपको बताएंगे। अभी बड़े बड़े प्रशीतक बनने लगे, कूलेंट बनने लगे, जिससे उसका औद्योगिक स्तर पर उपयोग हुआ। बाद में उसको एयर कंडीशन में उपयोग में लाने लगे और वहां से CFC का उत्सर्जन शुरू हुआ। जब CFC का उत्सर्जन शुरू हुआ तो 1960-70 के दशक में कई विद्वानों ने इस पर बातें की कि ये जो CFC है पर्यावरण के जो संगठक हैं उसको नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। चलो मैं अपनी बात करूं, अपनी बोलूं तो अपनी भारत की बात करूं। 1967-68 UNO सम्मेलन में जब भारत ने औद्योगिक देशों के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाया कि आप जो ये इंडस्ट्रियल पोल्यूटेंट उत्सर्जित कर रहे हो, इससे पूरे विश्व को क्या करना होगा, एक दिन कीमत चुकानी पड़ेगी, तो उस समय भारत की कौन सुने, क्योंकि हम सोवेरियन नहीं थे, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न नहीं थे, हमारी बातों को कोई नहीं सुनता। लेकिन धीरे धीरे जब 60 के दशक तक आते आते, लास्ट तक आते आते, कुछ प्रतिफल एनवायरमेंट में दिखने लगे, तो लोगों ने क्या किया, मीटिंग ऑर्गेनाइज की। 1972 का स्टॉक होम हुआ, फिर आगे बढ़ते चले गए। लेकिन जो एक प्रकार से कहा जाए कि ड्रेस्टिक जो परिवर्तन आया, चेंज आया, वो कब आया, 1984-85 वित्त वर्ष के दौरान, 1984-85 जो फाइनेंशियल ईयर होता उसके दौरान ही ब्रिटिश अंटार्कटिका एक्सपीडिशन, ब्रिटेन का अंटार्कटिका अभियान अंटार्कटिका पर पहुंचा, जिसके सदस्यों को लीड कर रहे थे डॉक्टर जोसेफ फॉरमैन।
इन्होंने वहाँ रिसर्च के दौरान अपने टीम की सहायता से क्या देखा कि ओजोन की परत में काफी बड़े बड़े छिद्र हैं। वापस आए द नेचर नामक मैगजीन में, अपने रिसर्च को प्रस्तुत किया। फिर ये जैसे प्रस्तुत किया 1985 में, अब 1985 से ओजोन परत के प्रति जागरूकता आ गई, तो 1985 से लेकर 19 तक 35 वर्ष हो गए। 35 वर्षों में हमने क्या सीखा? तो जैसे ये रिसर्च पेपर वहां पब्लिश होता है द नेचर नामक मैगजीन में, यूएनओ के कान खड़े हो गए। यूएनओ ने मीटिंग बुलाई संयुक्त राष्ट्र संघ ने, और उसी समय देन टाइम नॉर्वेजियन पीएम प्रधानमंत्री श्रीमती ग्रो हार्लेम ब्रंटलैंड के नेतृत्व में एक आयोग का गठन किया गया, जिसका शीर्षक था वर्ल्ड कमीशन, विश्व आयोग। मैडम ग्रो हार्लेम ब्रंटलैंड ने 3 साल तक अपनी टीम के साथ रिसर्च किया और 1987 में और कॉमन फ्यूचर नामक रिपोर्ट प्रस्तुत की, हमारा साझा भविष्य। जब मैडम ने इसको प्रस्तुत किया ग्रो हार्लेम ब्रंटलैंड ने, तो देन टाइम उस समय के जो औद्योगिक देश थे, जो पर्यावरण के साथ दादागिरी कर रहे थे, उनको आड़े हाथ लिया और कहा कि सब कुछ ऐसा ही चलता रहा तो गरीब देश तो जाएंगे ही जाएंगे, सबसे पहले तुम्हारी मौत होगी। इसी दौरान और कॉमन फ्यूचर की रिपोर्ट के दौरान ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट के संकल्पना को उन्होंने प्रस्तुत किया, अर्थात सतत विकास। फिर उसके बाद उसी साल मॉन्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुआ, 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल समझौता हुआ, और उसी दिन से वैश्विक समुदाय ने यह तय किया कि प्रतिवर्ष 16 सितंबर को हम ओजोन दिवस का सेलिब्रेशन करेंगे और लोगों को ओजोन परत के महत्व के संदर्भ में, ओजोन में जो छिद्र हुआ है उसके हानिकारक प्रभाव के संदर्भ में लोगों को जागरूक करेंगे, और जो उत्तरदायी गैसें हैं, एक गैसों की लिस्ट अभी आपको मैं दिखाऊंगा, उत्तरदायी गैसें हैं उनको धीरे 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 हम क्या करेंगे, प्रतिबंधित करेंगे, CFC को। धीरे धीरे क्यों, जब पता है कि उससे मेरी जान जा रही है तो तुरंत क्यों नहीं बंद किया? क्योंकि भाई हमें जो छद्म विकास है उसको भी देखना। तो ये संभववाद और प्रकृतिवाद की लड़ाई है। प्राकृतिक पर्यावरण में जो प्रदूषण हुआ, इस प्रदूषण के लिए उत्तरदायी मानव है, तो लड़ाई तो ही प्रकृतिवाद और संभववाद में, और उसके कारण क्या हुआ, हमारे पास परिस्थिति आ गई कि जो पर्यावरण भूगोल के अंतर्गत या भूगोल के विकास के अंतर्गत, प्रकृति के विकास के अंतर्गत मानव और प्रकृति की जो लड़ाई चली, मात्रात्मक क्रांति से लेकर मानवतावादी, व्यवहारवादी, और आज क्या हो रही है, आज बात हो रही है सतत विकासवादी लड़ाई शुरू हो चुकी है। तो 16 सितंबर ओजोन परत को बचाने के संदर्भ में तथा ओजोन परत में हुए छिद्र को कम करने के संदर्भ में लोगों को जागरूक करने से संबंधित है, और हम प्रतिवर्ष मनाते हैं। अब हम देखो कुछ सैद्धांतिक पहलू पर हमें आना है कि वास्तव में ये ओजोन परत है क्या और कैसे। तो देखिए, आपके पास एक सिंपल सा डायग्राम आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया, जो बच्चे एनवायरमेंट पढ़ चुके हैं या पर्यावरण पढ़ते हैं या वायुमंडलीय संरचना पढ़ते हैं उनको पता है। आगे देखें, ये हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी के चारों ओर एक गैसीय मिश्रण है जिसे हम वायुमंडल कहते हैं, एटमॉस्फियर, स्फीयर ऑफ एटोमोस,
इट मोस्ट मीन्स गैसियस मिक्सचर। पृथ्वी की सतह से लेकर इसके अंतरिक्ष तक, अंतिम सीमा तक, जो मान्य सीमा है 10,000 किलोमीटर तक, नई सूचनाओं के अनुसार 29,000 किलोमीटर तक, जो मान्य कितना 10,000 किलोमीटर तक, और जो नवीनतम सूचनाएं 29,000 किलोमीटर तक व्याप्त है। और जैसे जैसे सतह से ऊपर जाते हैं इसकी सघनता कम होती है क्योंकि गुरुत्व का मान कम है, इसमें तापमान में काफ़ी विचलन है। लेकिन अगर इसका भौतिक वर्गीकरण करते हैं तो जो पृथ्वी के सतह के समीप परत है उसको कहते हैं ट्रोपोस्फियर, क्षोभ मंडल, परिवर्तन मंडल वेरिएबल जोन है, कॉन्वेक्शन मंडल है, कॉन्वेक्शन जोन कहा जाता है, समूहनी मंडल है। तो इस मंडल में सारी जलवायु गतिविधियां होती हैं, बादल का बनना, कोहरे का बनना, पाला का बनना, ओस का बनना, चक्रवात का आना, सब कुछ इसमें होता है। तो ये इसके ठीक ऊपर है स्ट्रेटोस्फीयर, जो लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। और इसी स्ट्रेटोस्फीयर में जो पीले कलर का आप देख रहे हो, ये ब्लू कलर की एक लेयर है, यही है ओजोन गैस। प्राकृतिक रूप से ओजोन गैस का कलर भी ब्लूइश होता है और ये तीक्ष्ण है, तीक्ष्ण गंध वाली है। ये कैसे बनती है भी बात करेंगे। इसके ऊपर है मेजोस्फीयर, मेजोस्फीयर के ऊपर सबसे ऊपरी परत है थर्मोस्फीयर यानी तापमान मंडल। आज हम बात करेंगे आपसे इसकी, जो लगभग 10 किलोमीटर की ऊंचाई से लेकर 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक अभी व्याप्त है, कौन सी पीले कलर की परत, जिसको नाम दिया गया समताप मंडल। इस मंडल में जो ये ब्लू कलर आपको दिख रहा है, ये है ओजोन की परत, जिसको कहते हैं जीवन रक्षक पेटी, सेफ्टी बेल्ट है हमारे लिए। क्यों है? क्योंकि जो ये देख रहे हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हो रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सूर्य से हो रहा है। सूर्य में एक जटिल भौतिक रासायनिक प्रक्रिया हो रही है, बेसिकली विशुद्ध रूप से रासायनिक प्रक्रिया, जिसको कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय संलयन, और नाभिकीय संलयन के माध्यम से अपरंपार ऊर्जा निकल रही है। और वो ऊर्जा सूर्य के सतह तथा प्रकाश मंडल से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के द्वारा सूक्ष्म तरंगों के माध्यम से क्या होती है, चारों तरफ फैलती है, और वही धीरे धीरे हमारे एटमॉस्फेयर में आती है और अपने एटमॉस्फेयर और भूसतह को, भूसतह क्या करता है, इसको परिवर्तित करता है, और परिवर्तित करके सारी पर्यावरणीय प्रक्रियाओं को क्रियाशील करता है। बिना सूर्य के ऊर्जा के, बिना सूर्य के ऊर्जा के अर्थात बिना सोलर एनर्जी के यहाँ जीवन संभव नहीं है, यद्यपि कोई भी पर्यावरणीय प्रक्रियाएं संभव नहीं है। जो सूर्य से एनर्जी आ रही है सोलर रेडिएशन, वो जैसे ही पृथ्वी के वातावरण में पहुंचती है, वायुमंडल में पहुंचती है, सतह तक पहुंचती है, तब इसे हम कहते हैं इंसोलेशन, सूर्यातप। और जितना यहाँ से उत्सर्जन हो रहा है उसका 2/1 भाग ही पृथ्वी की सतह तक पहुँच पाता है, लेकिन वह अभी प्रति मिनट 23 ट्रिलियन हार्स पावर है। इमेजिन करो कितनी ऊष्मा ऊर्जा आ रही है। फिर उसको पृथ्वी की सतह, पृथ्वी का वायुमंडल दीर्घ तरंगों के माध्यम से इधर उधर स्थानांतरित करता है और सारी जैविक भौतिक रासायनिक प्रक्रियाओं को क्या करता है, संपादित करता है। लेकिन इसके साथ साथ ये जो ब्लैक कलर की आप देख रहे हो, अल्ट्रा वायलेट किरणें भी आती हैं, परावैगनी किरणें। ये परावैगनी किरणें जैव विविधता के लिए हानिकारक हैं। अगर ये परावैगनी किरणें अपने मूल स्वरूप में भूसतह तक पहुंच गई तो मानव सहित पूरी जैव विविधता को ये क्या कर सकती है, समाप्त कर सकती हैं। लेकिन इन जो ब्लैक कलर की अल्ट्रावायलेट जो किरणें आ रही हैं, इन किरणों को ये ब्लू कलर की जो लेयर है जिसको ओजोन परत आपने नाम दिया, ये अवशोषित करती है या तो इसको रिफ्लेक्ट कर देती है। अवशोषण के कारण इस पीली कलर की जो लेयर है, समताप मंडल का तापमान बढ़ जाता है। यहाँ ट्रोपोस्फीयर के अंतिम तक -80-82 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, यहाँ बढ़कर 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। तो ये जो ओजोन परत है ये
पूरी तरह से हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है और पृथ्वी को हानिकारक प्रभाव से बचाती है। इसलिए इसको जीवन रक्षक पेटी कहा गया, पृथ्वी का रक्षा कवच कहा गया, तरह तरह नाम दिए गए। इसकी जो कंसंट्रेशन है, मैक्सिमम कंसंट्रेशन 15 किलोमीटर से 35 किलोमीटर की ऊंचाई तक है, यद्यपि कभी कभी यह परत 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक भी देखी जाती है। अब ये ओजोन परत धीरे धीरे डिप्लेट होने लगी, छिद्रित होने लगी। उसके पीछे कहानी क्या है? तो जो औद्योगिकरण और शहरीकरण और आरामदेह जिंदगी शुरुआत हुई हमारी, उसमें हमने प्रशीतक जो सिस्टम होते हैं, कूलेंट सिस्टम, उसमें अमोनिया की जगह क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग किया। जब अत्यधिक मात्रा में क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्सर्जित हुआ तो वह एटमॉस्फेयर में गया और क्षोभ मंडल की सीमा को क्रॉस करके, क्षोभ सीमा के को भी क्रॉस करने के बाद जब यहाँ गया तो उसकी क्लोरीन इससे क्रिया करके इस ओजोन परत को, जो ओजोन के परमाणु है O3, उसको परमाणु और अणु में दोनों में क्या किया, तोड़ दिया। अभी दिखाएंगे आपको प्रक्रिया, O+O2, जिससे बड़े पैमाने पर छिद्र होने लगा। जब छिद्र होने लगा तो अल्ट्रावायलेट किरणें सतह पर गई तो तरह तरह के बीमारियों को भी जन्म दिया। दूसरे में इन किरणों में जो अल्ट्रावायलेट किरणें हैं, पराबैंगनी किरणें हैं, इसमें उष्मा का मान सामान्य किरणों से 20-25% अधिक है, अतः यह ग्लोबल वार्मिंग को भी क्या कर दिया, बढ़ा दिया। और ये मानव या जीव जंतुओं में कैंसर के लिए भी कारक बन चुकी हैं। लेकिन जैसे जैसे रिपोर्ट आई मॉन्ट्रियल 1987 में हुआ, उसके बाद धीरे धीरे इस पर प्रतिबंध लगाया गया। अब यह बताया गया है कि धीरे धीरे इस ओजोन के जो छिद्र बने थे इनमें धीरे धीरे हीलिंग हो रही है, भर रहा है, तो ये एक सकारात्मक कदम है। तो ओजोन दिवस पर हम आज आपके साथ खुद मैं एक प्रतिबद्धता व्यक्त करते हैं कि पर्यावरणीय प्रदूषण के संदर्भ में जो प्रक्रियाएं संपादित हो चुकी हैं उनको न्यूनीकृत करने के लिए प्रयास करेंगे और आप भी करें, क्योंकि जीवन यही है, कुछ भी नहीं कर सकते। आज देखो एक छोटा सा एलिमेंट जो दिख नहीं रहा है हमें, एक तत्व COVID-19, आप बहुत ज्यादा विकसित हो, आपके पास बहुत मुद्रा है, क्या कर लोगे? तो प्रकृति में प्रकृति की तरह जीने की यदि कोशिश करेंगे तो सततता बनी रहेगी। अगर प्रकृति में अप्राकृतिक परिस्थितियां उत्पन्न करेंगे तो आज नहीं कल इसका प्रतिफल तो हमें भोगना पड़ेगा। जो पिछले 8-10 दशकों से हमने काम किया, अब प्रतिफल हम भोग रहे हैं। अनजाना अनदेखा एक तत्व पूरी एक्टिविटी को क्लोज कर दिया। बोलते हैं नहीं, औद्योगिक उत्पादन होगा, राजनीतिक क्रिया होगी, सांस्कृतिक होगी, सब कुछ होगा, कहां कर रहे हो? आपके व्यक्तिगत स्तर से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक जितने भी क्रियाकलाप है अपने आप शट डाउन हो गए। प्रकृति देखकर ऊपर से हंस रही है, देखो इस मानव को, तो प्रकृति की तरह। तो अब तो हमें सचेत हो जाना चाहिए। अब देखो इस संदर्भ में कुछ फैक्ट आपके पास है। देखिए, एक तो एक डायग्राम दिखा दिया, समझ में आ गया होगा। ये इस डायग्राम को आप देख लो, ये वायुमंडल का एक ट्रांसफर सेक्शन हमने लिया, टोपोस्फियर, टर्बुलेंस जोन, कॉन्वेक्शन जोन, क्षोभ मंडल, विक्षोभ मंडल, परिवर्तन समवानी, ये है वो जोन लेयर। ये पूरी की पूरी संरचना आपको दे दी गई, वीडियो को बहुत ध्यान से देखकर इसको कर भी सकते हैं और इनकी विशेषताएं भी लिख दी गई, तापमान भी लिख दिया गया। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं किसकी, ओजोन लेयर की। तो एटमॉस्फेरिक जब स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो ये संरचना आपको दिखाई देगी। अब देखो इसमें जो प्रयास हुआ, ये ग्राफ आपको दिखाया गया, ये मैंने मीडिया के माध्यम से इंटरनेट से लिया, देख लें आप। 1960 में ऐसा ग्रीन था, ये कहां पर, अंटार्कटिका पर देखा गया। अब देखो 2017 की कहानी ये है,
माना जा रहा है कि प्रतिबंध लगा देंगे तो 41 में ये होगा और 65 में ये होगा। ये एक और देखा गया, 1970 में नहीं था छिद्र, 80 में ये हुआ, क्योंकि 80 में हमने क्या किया था, लालच का अति कर दिया था। 90 में ये हुआ, 2000 में ये हुआ, 2010 में ये, 2020 में थोड़ा कम हुआ, 30 में ये, इस तरह से बढ़ते बढ़ते 2060 तक आशा की जा रही है कि ओजोन का जो डिप्लेशन हुआ है, जो होल हुआ है, उसमें हीलिंग हो रही है और पूर्णतः भर जाएगा। लेकिन ये आप के हमारे या वैश्विक प्रयास पर ही क्या है, निर्भर है। इसके बाद आप देखें कुछ प्रक्रिया, ओजोन का निर्माण कैसे होता है। देखो प्रकृति में जो सौरिक विकिरण आ रहा है, जो सोलर रेडिएशन आ रहा है, जो इंसुलेशन आ रहा है, उसमें फोटॉन्स हैं। तो जो वायुमंडल में ऑक्सीजन है, ऊपरी परत में मॉलिक्यूल है, उससे फोटॉन्स क्रिया करके 2O2 मॉलिक्यूल्स बना दिए, और फिर दूसरी लेवल पर क्रिया हुआ, एटम और मॉलिक्यूल आपस में मिले तो O3 बन गया। क्लियर। अब विघटन कैसे हो रहा है, तो विघटन प्राकृतिक रूप से भी होता है। जब सन स्पॉट होता है, सौर कलंक जिसे हम कहते हैं, सूर्य के फोटोस्फेरिक भाग पर भौतिक रासायनिक प्रक्रिया के कारण प्रत्येक 11 वर्ष के बाद सन स्पॉट बढ़ता है, जिसको सौर कलंक कहते हैं, जहां से सौर ज्वालाएं निकलती हैं। तो जब सौर ज्वालाएं निकलती तो उस समय भी ये विघटित होती है, लेकिन नेचुरली। तो प्राकृतिक रूप से जो विघटित होती है, प्राकृतिक रूप से क्या होता है, हीलिंग भी हो जाती है, वो भर भी जाती है। लेकिन अभी जो अल्ट्रावायलेट किरणें आई, जिसे कहा कि तो ये तोड़ रही हैं, इस तरह से तो विघटन हो रहा है। लेकिन अगर हम जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन में जो क्लोरीन है, वो ऑक्सीजन से क्रिया करके इसको क्या करता है, विघटित कर देता है। क्लियर। अब देखो जो ओजोन की कहानी है, जो अभी मैंने बताया, उसकी एक समरी आपके पास देख, इस समरी आपके पास आ गई। देखें 1840, बड़ा अच्छा दशक है। 1840 के दशक में फ्रेडरिक रेटजल का जन्म हुआ था, और भूगोल और पर्यावरण के विकास में काफी बातें हो रही थी। अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट रीटर का समय है, डार्विन का समय ये चल रहा है। तो 1840 में O3 अणु की पहचान की गई, 1900 में समताप मंडल की खोज कर दी गई, 1913 में, ये क्वेश्चंस भी कई बार आपसे पूछे जाते हैं, चार्ल्स फेब्रे और हेनरी ब्यूसान ने ओजोन परत की खोज की, कब की, 1913 में। अब ये देखो, ये जो प्रवृत्ति हमारी है, 1920 में बताया था ना, 20वीं शताब्दी के दूसरे दशक में, जब भारत गांधी जी के नेतृत्व में स्वतंत्रता संग्राम का बिगुल बजा रहा था, सारी प्रक्रियाएं चल रही थी प्रथम विश्व युद्ध के बाद, उस समय ही CFC की खोज हुई। विश्व में काफी तालियां बजी, CFC आ गया, अमोनिया का विकल्प आ गया, और सब लोग क्या करेंगे, शीतल शीतल रहेंगे, कोल्ड कोल्ड। लेकिन ये पता नहीं कि मानव क्या है, नहीं कहना चाहिए लेकिन कह देता हूं, उस बंदर के समान है, जिसका आ जाता है बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। मानव ने विकल्प ले लिया लेकिन बेतहाशा उपयोग किया। हमें तो लगता है कि बंदर हमसे बुद्धिमान है, जितने जीव जंतु में प्राकृतिक वातावरण में रहते हैं वो बुद्धिमान है। और इस संदर्भ में विश्व के अनेक भूगोलवेत्ताओं ने अनेक बातें कही, हमारे यहां के लोगों ने भी कहा, लेकिन सवाल यह कि हमारे यहां जो प्रकृतिवादी थे उनकी बात कौन सुनता है। चलो एक प्रकृतिवादी कवि का नाम मैं ले रहा हूं, रहीमन, नाम सुना होगा। लोग हमारे यहां क्या बोलते, कवि है तो कवि है, वो लिखता पढ़ता होगा, बेकार है, उसको विज्ञान तो आता नहीं है। लेकिन रहीमन साहब हो, रहीम साहब हो, कबीर साहब हो, या अन्य विद्वान हो, एक विद्वान को तो हमने महामूर्ख घोषित कर दिया, कालिदास को, उससे बड़ा प्रकृतिवादी कोई था ही नहीं, कितने महान ग्रंथों की रचना कर दी और मूर्ख थे वो। जब मूर्ख होकर इतने महान ग्रंथों की रचना की तो हम तो बहुत बड़ा जागरूक हैं, बहुत बड़े जागरूक इंसान हैं।
कहा जाता है इंटेलेक्ट पर्सन, बौद्धिक हैं, लेकिन क्यों नहीं करते? रहीमन साहब ने लिखा, रहीमन बहु भेषज करत व्याधि न छोड़त साथ, खग मृग आरोग्य वन हरि अनाथ के नाथ। रहीमन बहु भेषज करत व्याधि न छोड़त साथ, खग मृग आरोग्य वन हरि अनाथ के नाथ। तात्पर्य यह है कि रहीमन बोले तो मानव बहु भेषज अने दवा, मानव अपने व्याधि के लिए अनेक औषधियों का उपयोग किया लेकिन रोग ने साथ नहीं छोड़ा। लेकिन प्रकृति में जो खग मृग है, पशु पक्षी जो प्रकृति में रहते हैं, वो तो भगवान की मर्जी से जीते, उनको कोई रोग होता है नहीं। आज क्या हो रहा है COVID-19 में? काढ़ा पियो, किसका? मानव का, वनस्पतियों का। प्राकृतिक जीवन जियो, एक्सरसाइज करो। हमारे भारत में तो लोगों के लिए सोने के लिए टाइम है, दूसरे की शिकायत का टाइम है, लेकिन एक्सरसाइज का टाइम नहीं है भाई। लेकिन आज सब संभल गए, इस कोविड ने मानव को एक दूसरा स्टेप दिया है। चलो अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है, लेकिन मानव को, जो मानव बच गया, उसकी शुरुआत कैसे हो रही है, या अपना जीवन चक्र कैसे परिवर्तित कर रहा है, आपको पता है। तो प्राचीन काल में या जो पहले के जो तथाकथित विद्वान, तथाकथित इसलिए लिया कि हम लोग मानते ही नहीं। आज तो कुछ दिन पहले हिंदी दिवस गया, हिंदी के नाम पर चाहे वो संस्थाएं हों या व्यक्ति हों, हमें शर्म आती है। लेकिन हमें लगता है कि जो प्राचीन क्लासिकल हमारे लेखक थे, क्लासिकल शास्त्रीय, उनकी विचारधाराओं को यदि पढ़ें तो हमारी समस्याओं का समाधान उन्हीं विचारधाराओं में है। कोशिश करें। वो कौन लोग थे? कबीर कौन थे? रहीम कौन थे? तुलसी कौन थे? सूर कौन थे? या अन्य दूसरे लोग कौन थे और क्या क्या बातें कह गए? आज हम वापस आ रहे हैं। तो जब CFC की खोज हुई, तालियां बजी कि अच्छा आ गया हमारे लिए। फिर 1974 में CFC के हानिकारक प्रभाव की चर्चा शुरू हो गई। मैं आपको आज बता दूं, बहुत कम जगह है कि हमारे यहां के महान विद्वान होमी जहांगीर भाभा साहब ने इस पर बहुत पहले चर्चा शुरू कर दी थी। विक्रम सारा भाई ने भी बहुत बातें कही थी, लेकिन कौन मानेगा? CFC के हानिकारक प्रभावों की चर्चा शुरू हो गई। 78 तक आते आते कुछ देशों ने CFC पर प्रतिबंध लगाया, जिसमें कनाडा और स्कैंडिनेवियाई देश जैसे फिनलैंड, नॉर्वे वगैरह क्या थे, प्रमुख थे, लगा दिया प्रतिबंध। यही कारण है कि अभी ह्यूमन विकास डेवलपमेंट में आप देखो तो जो स्कैंडिनेविया लैंड के देश हैं वो आगे हैं, फिनलैंड, नॉर्वे, प्रतिबंध लगा दिया। लेकिन अभी चूंकि विश्व में शीत युद्ध चल रहा है तो कौन किसको देखेगा? अमेरिका और सोवियत संघ आपस में लड़ रहे हैं और हमारा विकास उतना हुआ नहीं। इसके बाद जो कहानी आपको मैंने बताया, 1984-85 मई में ब्रिटिश अंटार्कटिका अभियान के सदस्यों के डॉक्टर जोसेफ फॉरमैन नाम ले लिया, ब्रेन गार्डियन तथा जोनाथन ने ओजोन परत में छिद्र की खोज की और खतरे के संदर्भ में द नेचर नामक मैगजीन में, देखें द नेचर नामक मैगजीन में शोध पत्र प्रस्तुत किया, तो हड़कंप मचा। जो बातें आपको की वही यहां पर लिखा गया है। देखें, उन्होंने वर्ल्ड कमीशन का गठन किया, ग्रो हार्तिम ब्रंडलैंड डेनटाइम नॉर्वेजियन PM, उस समय नॉर्वे की प्रधानमंत्री थी, उन्होंने और कॉमन फ्यूचर नामक रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसके अंतर्गत उन्होंने क्या किया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के संकल्पना को प्रस्तुत किया। फिर इसके बाद जब वो आ गया, रिपोर्ट आ गई, तो सितंबर 16, 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की घोषणा हुई और उसी दिन शुरू किया गया कि हम वहीं से O3 दिवस मनाएंगे।
ओथरी अने ओजोन दिवस मनाएंगे। और ये कहा गया कि इससे करते करते हम 2020 तक इस पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा 2030 तक इसको पूर्णतः प्रतिबंधित करते हुए ओजोन के लेयर को पूर्णतः स्वस्थ कर देंगे। अब देखो कुछ और जानकारी आपके लिए, ओजोन विघटनकारी तत्व कौन कौन है, कभी कभी हर कई एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं, इनको आप ध्यान में देखना, ध्यान से देखना। सबसे पहले CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसको फ्रियान 114 भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रियान 114। फिर इसके बाद है हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसे फ्रियान भी बोलते हैं। फिर हैलॉन है, फिर है HBFCS हाइड्रोब्रोमोफ्लोरोकार्बन, फिर है CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, फिर है CH3Cl3 मेथिल क्लोरोफार्म, ये सफाई उफाई के काम में आता है, अक्सर हम क्लोरोफार्म का उपयोग करते हैं। H3Br मेथिल ब्रोमाइड, फिर है CH2BrCl ब्रोमो क्लोरोमीथेन और नाइट्रोजन के ऑक्साइड। ये जो हैं ओजोन के लिए नुकसानदायक है और इस पर बातें हो रही हैं। तो ओजोन दिवस क्यों मनाते हैं, कैसे मनाते हैं, काफ़ी कहानी आपने सुन लिया, आशा है कि ये आपको पसंद आएगा। और देखो बाकी सब सूचनाओं के साथ आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से कभी कभी ये क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ये आते रहते हैं। ओजोन लेयर जो प्रोटेक्शन हो रहा है, कहने का मतलब 16 सितंबर जो ओजोन दिवस हम मना रहे हैं, इसकी थीम क्या है? तो थीम क्या है? ओजोन लेयर, ओजोन फॉर लाइफ एंड 35 ईयर्स ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन। क्लियर? इतना कर लेंगे आप।